अब बोलो, कह लो। बोलो हेलो। मैं बोली हेलो तो इधर देखो, मेरी तरफ को देखो। तो देखो फ्रेंड, इसकी आंखें, अपनी आंखें दिखाना। दिखाइयो नौजी, कहाँ पर ही तीत का है? तीत, तीत, सॉरी तीत का है, दिखाना। ये तीत है तीत का, तीत को बोलते इसको। पहले आपको जो पता वो बताओ, इसको तो मुझे भी नहीं पता क्या बोलता है। हेयर कहाँ पे? हेयर एले, हेयर को बोलते। फिंगर का है? फिंगर एले को बोलते। नोजी का है? आई का? तीत का है? लिप्स का है? तो ईयर का है? ईयर का है? इधर देखो फोन में, इधर ईयर का है? तो इससे भी पूछो, नौजी का? नौजी का तीत का, तीत। तो ये चारे चारे। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय टू यूट्यूब फैमिली माही पी ब्लॉग, आपका स्वागत है। तो ये देखो मेरी परी, तो ये स्कूल नहीं जाती, इसको मैंने सिखाया ये सब। हाँ देखो दीदी, तो ये सब मैंने सिखाया है इसको। तो ये बोलती हूँ जब मैं थोड़ा थोड़ा सिखाती हूँ बुब्बू, तो मैं जब लोग बनाने लग जाऊँगी इसको बुब्बू से होता है। वैसे ही दुद्दू नहीं मांगेगी, जा गाड़ी लाओ, गाड़ी पर खेलेंगे हम, घूम घूम के खेलेंगे। तो फ्रेंड आज मैं देखो, मैंने छुट्टियाँ बनाई है। खांसी हो रही है, ये खांसी नहीं, सूखा धसका है, पता नहीं क्या अजीब सही है। मतलब जब उन्हें उठाकर गाड़ी ला उठाकर। तो फ्रेंड मेरे बाल है ना थोड़े से रह गए, देखो सब पे, देखो कितने से रह गए। तो मैं आज आपको फ्रेंड अपने बाल दिखाती हूँ, मेरे बाल कितने टूटे हैं। तो ये मेरे मतलब 1 से 2 महीने के टूटे हुए बाल हैं, जो परी की तरह, जब परी मैं मतलब परी हुई थी मेरी, तब मेरे इतने बाल नहीं टूटे थे, मतलब टूटे थे बट इतने नहीं। और जब भोपा हुआ तो इसने मेरे सारे बाल तोड़ दिए। बोलते हैं ना कि बच्चा जब तक साफ साफ नहीं बोलेगा तब तक टूटेंगे ही। तो फ्रेंड इतने बाल शायद किसी के टूटे होंगे जितने मेरे टूटे हैं। तो मैं आप सबको अपने बाल दिखा दूँ। तो फ्रेंड मैं शीशे में देख के वीडियो बनाती हूँ ना उल्टे कैमरे से, क्योंकि आधा आधा फेस आता है अगर जब मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये भोपा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सोच रहा पता नहीं क्या हो रहा। तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ में इस कद्दू को पकड़ रखा है मैंने। तो हाय करो, हाय करो। तो फ्रेंड ये हाय कर रहा, हाय करो, हाय। तो परी बोल रही हाय सोना। तो फ्रेंड परी की तबीयत खराब हो रही थी, कल इसको दवाई बुलवा के लाई हूँ। तो मैं बच्चों की वजह से अपनी दवाई नहीं लाई क्योंकि पैसे नहीं थे इतने, 200 रुपये की परी की दवाई दवाई आ गई। तो ये देखो फ्रेंड ये दवाई आई कल इसकी, तो ये छोटा सा मंदिर है, तो ये दवाई आई है इसकी, मतलब ये भी है और ऊपर भी रखी है एक शीशी। तो इसकी दवाई आई, तो मैं फ्रेंड आपको अपने बाल दिखाती हूँ आज। तो बैठिए बेटा, तो आज मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। मैंने अपने बाल रखे कहाँ पर रखे, तो ये रहे। और अभी ये और दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मेरे बाल है ना ये रहे, आप देखोगे ना ये पन्नी में बंध रहे हैं। तो बच्चे सोचते हैं ना मेरे बाल को देख के ही खिलौने हैं कोई, तो परी रुक जाओ। तो फ्रेंड शायद ऐसे किसी के बाल टूटे होंगे जितने मेरे टूटे, मैं तो पूरी गंजी हो रही। तो इतने बाल मैं बेच चुकी हूँ। तो ये फ्रेंड मेरे बाल है, ये मेरे ही बाल है क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं रहता, और आपका तो पता है मैं किसी और के बाल लूँगी, मेरे पर ये बाल है। तो फ्रेंड ये देखो मेरे बाल है, ये सब एक एक दिन के इतने इतने बाल टूटे, इतने इतने बाल टूटे हैं फ्रेंड। मम्मा के बाल, मम्मा के बाल। तो
ये बच्चे इधर उधर कर रहे हैं। बेटा बाल है ये, तो अब कोई बर्तन वाला आएगा तो मैं उनसे इन बाल से वो खरीदूंगी बर्तन। तो फ्रेंड इतने ही बाल मैं बेच चुकी हूँ, जो मतलब ये मेरे बाल है ना, ये मेरे बाल 3 महीने के टूटे हुए बाल हैं मेरे। फ्रेंड देखो कितने बाल हैं मेरे टूटे हुए, तो ये मेरे 3 महीने के बाल टूटे हुए। फ्रेंड इतनी गंदी सी हो गई, मेरा मन नहीं करता अब कंघा करने का। बेटा इसमें भर दो सारे, लो सारे भर दो। तो जब मेरी परी हुई थी मेरे तब भी टूटे थे, बट इतने नहीं टूटे थे, बहुत टूटे थे उस टाइम पे। बाल 3 डब्बे हो गए थे, डब्बों में भरती थी मैं जब, तो 3 डब्बे हो गए थे। ओफो, तो इस बार मेरे बहुत ज़्यादा, इतने मैं बेच भी चुकी, मतलब 200 कुछ रुपए के मैंने बेच दिए बाल। और ये देखो, तो फ्रेंड इतने बाल किसी के टूटे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बच्चे नू देख रहे बाल, तो ये भोपत की देखो इसकी हरकतें हैं, इसकी वजह से मैं गंजी हुई हूँ। इधर बैठ, इधर बैठ। तो इसकी वजह से मैं गंजी हुई हूँ। तो फ्रेंड बोलते हैं ना बच्चे होते हैं ना, तो माँ को है ना बचपन में गंजा कर देते, बाप को बुढ़ापे में गंजा कर देते। तो अभी मेरे बाल कुछ इधर भी रह गए ना बच्चे। तो परी आप सबसे क्या कहना चाह रही है? परी हाय कर दो सबको। कौन है? मामोची। तो ये फ्रेंड आपको मामा मोची बोल रही है कि हाय मामा मोची। हाय। तो भोपा भी हाय बोला, आप भी बोलो भोपू हाय। तो फ्रेंड आपको देखने में ही लगता होगा कि ये लड़की है और ये लड़का, तो ऐसा जिसको लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं मेरे को कि कौन सा लड़का देखने में लगता है, कौन सी लड़की। तो फ्रेंड मैं एक बार बताऊँ, ये दोनों ही लड़कियाँ हैं। तो ये लड़ते बहुत है, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं ये लोग। तो फ्रेंड ये पन्नी देखो फुल हो गई, देखो इतने बाल टूटे ना, मेरी पन्नी फुल हो गई। फ्रेंड ला बेटा बेटा, ऐसे पन्नी फट जाएगी, बाल हो जाएंगे सारे घर में। फ्रेंड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ना बनाने का मन कर रहा है, और रेस्ट बच्चे करने नहीं देते हैं। तो मैंने अभी ब्रेड लाई थी 10 वाला में, मेरा 10 वाला पैकेट लाई थी मैं ब्रेड का, तो बच्चों को सॉस लगा के दे दिया। परी को एक ब्रेड सॉस लगा के दे दिया इसमें, और दूध में भी घोल लिए थे ये सॉस, ये ब्रेड दूध में भी घोल लिए थे। और भोपा के लिए फ्रेंड दलिया बना दिया मैंने, मेरा दलिया वो फीका दलिया खाती है, तो ये भोपा दलिया ही खाती है, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं नमक का दलिया और मीठा दलिया। तो मेरा काम हो गया सारा, बस ये बच रहा है, जब सोऊंगी खा के सोऊंगी। तो फ्रेंड ये मेरा छोटा सा किचन है, ये मेरा गैस चूल्हा, तो बेचारों के इनके गैस के ये भी नहीं है, ये काफ़ी टाइम से टूटे पड़े, लगवाने का मन करता है फिर सोच लेते छोड़। मुझे कह रहा भोपा तो गोद में लो, तो मैं इसको गोद में ना लूंगी। भोपा तो देखो एक ही आ गया। हाँ गेट तो खोलियो, एक मिनट। तो फ्रेंड मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि मैंने तो मेरे फोन में नेट नहीं होता, तो मतलब होता है बच्चे खर्च कर देते हैं, परी है पता नहीं क्या क्या डाउनलोड पे लगा देती है परी, तो 1.5 GB होता है ना इसमें, तो ख़त्म हो जाता। तो भैया थे तो मतलब मैंने भाई बना रखा उनको पानी वानी देखे जाते हो, तो परी के मामा, तो उनसे एक सिम ले लिया। तो मैं कहने लगी मैंने कैसा मेरा रहा हो रही, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही रोज़ रोज़, तो दे गई मेरे को सिम। तो सिम लेना आया कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मैंने कहा अब नहीं मिलेगी, मैं वीडियो बना लूँ, कोई नहीं आप डाल लूँ। तो हाय तो पति को आ रही है नींदी, मेरा चलना है। तो फ्रेंड प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ना आप लोगों को, बहुत जरूरत है।
50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, मेरे 57 वीडियो, मेरी 58वीं वीडियो है फ्रेंड की। तो क्या मेरी वीडियो इतनी भी है वो नहीं कि मतलब एक सब्सक्राइबर मिल सके मुझे एक वीडियो पर? तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, एक ही सब्सक्राइब कर दो, कोई भी कर दो, मुझे एक सब्सक्राइब दे दो एक वीडियो प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। परी जबूबू की बोतल ला दी दिखे, फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो थोड़ा ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। और फ्रेंड मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो लोग ये कह रहे हैं क्या ड्रामा, मतलब वीडियो बना रही है वो कर रही है, तो मतलब क्या लड़कियों को कोई हक नहीं है वीडियो बनाने का? एक बार बोलो, औरतों को कोई हक नहीं है? मतलब बहुत से ही बोलते हैं कि लड़कियाँ बनाती है तो औरत नहीं बना सकती वीडियो। भाई हम भी तो कभी लड़की थे, अब हमारे बच्चे हो गए तो हम औरत हो गए, बट कोई नहीं, मैं इन सबका मुंह बंद करना चाहती हूँ जो जो ऐसा बोलते हैं कि भाई मतलब ऐसे। तो फ्रेंड आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाए, तो अभी मेरे 41 सब्सक्राइबर है, फ्रेंड मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, तो मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी। अब लाइव आऊँगी तो फिर तो एक आध बढ़ ही जाता है रोज़ ना रोज़, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी कोई हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो भोपा देखो शैतान क्या कर रहा है। हाउ आर यू 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 तो तो ये मेरे बच्चे हैं। तो फ्रेंड ये ऐसे ही खेलते रहते हैं इसी छोटे से कमरे में, तो एक ही कमरा आई है, तो ये बेड है, हम खाली कर देंगे कमरा। तो ये बोल रही है हम खाली कर देंगे कमरा। तो फ्रेंड 2 महीने हो गए रेंट के मेरे, मतलब 2 महीने से किराया नहीं गया बेटा बैठ, तो 2 महीने से किराया नहीं गया रूम का, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात त्यौहार आने लग रहे, त्यौहार छोड़ो क्या त्यौहार, गरीब आदमी का तो कोई त्यौहार नहीं होता, त्यौहार भी कहीं होता है पैसे वाले हो तो गरीब का कोई त्यौहार नहीं होता। मैं सोच के रहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए वो भी लूँगी त्यौहार को लूँगी, दुर्गा पूजा आ रही तो कुछ नहीं ले सकी मैं दुर्गा पूजा भी ना के लिए, दुर्गा पूजा में कुछ ले सकती अपने बच्चों के लिए। तो वैसे एक बात बताओ फ्रेंड, 100 में से 90% लोगों के साथ यही होता है कि मतलब डेली वेज में शायद नए कपड़े पहन लो पर त्यौहार पर उन्हें कपड़े नहीं मिलते हैं, नए हो नहीं पाते त्यौहार में। तो हमारा तो यही सिस्टम है कि ईद पे भी पुराने और त्यौहार पे भी पुराने और डेली वेज में तो है ही। चलो चलो तो बुबू दूँ मैं, तो ठीक है फ्रेंड आज तो बहुत ही समाप्त करते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो अब मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँगी, कभी ना कभी तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगी तो मैं रोज़ बनाऊँगी ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।